हमिद साहब उफ, क्या मेरे पास इतना दिमाग है, इस वक्त बचा है। लो हमिद साहब, ये क्या भाई, आप तो गोली पॉइंट करने आ गए हो। आज सियालकोट में एक बंदा मार दिया, तो ये आप क्या कर रहे हो। लो गन पॉइंट कीजिए मेरी तरफ। जी मैम, वो मैंने देखा, मतलब वो नहीं होनी चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था, आप लोग तो खुद कह रहे होते हो यार कि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। आगे कंप्लीट करो। अगर उसने किया तो बिल्कुल मैं इसे डिफेंड करूंगा, अगर उसने नहीं किया तो नहीं होनी चाहिए थी ऐसी। वो कौन डिसाइड करेगा कि उसने किया कि नहीं किया? वही बात है ना, अभी आप बात कर रहे थे, मतलब नहीं, आप मुझे एक बात हो बताओ, एक सेकेंड मुझे एक बात बताओ, ये कौन डिसाइड करेगा कि उस बंदे ने ब्लास्फेमी की या नहीं की? क्योंकि वहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं, राइट? वहां तक कोर्ट, पुलिस, वहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं। आप लोगों ने पहले उसका काम तमाम कर दिया। अभी पुलिस स्टेशन जला दिया था, पुलिस ने गिरफ्तार किया था एक बंदे को जिसने ब्लास्फेमी की थी, उसको पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया। जी, तो ब्लास्फेमी लॉ मतलब क्रिश्चियनों में भी है, हिंदुइज्म में भी है, तो हम फॉलो अच्छा, कितने करते हैं, कितने मतलब क्रिश्चियन, मुझे बताओ कितने क्रिश्चियंस आपको क्रिश्चियन कंट्रीज में क्रिश्चियंस को ब्लास्फेमी के नाम पे मारते हुए दिखते हैं, बताइए। जी वो करें या नहीं उसका धर्म है, मतलब हमें उससे कोई लेना नहीं, देना नहीं, लेकिन क्रिश्चियंस में कोई ऐसा लॉ नहीं है ब्लास्फेमी का। मैं आपको आपको अभी दिखाती हूँ, एक सेकंड देखिए ना। मैं आपको इस वजह से बता रही हूँ कि मैं क्रिश्चियन कंट्री में बैठी हूँ, ठीक है ना? ये सेक्युलर कंट्री है। इन कंट्रीज में इस वजह से ये नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी चलती है। डेमोक्रेसी मतलब स्टेट और रिलीजन दोनों डिफरेंट है। रिलीजन अपनी तरफ, गवर्नमेंट अपनी तरफ, आपकी तरफ ये है नहीं, ठीक है? आप ये देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ यहाँ पे, ठीक है? जो आपको अभी आपने बोला है ना, सॉरी कहाँ गया ये? जी मैम, वन वन सेकंड, तो वहां पर होगा या नहीं, उनकी बुकों में भी लिखी है ना, जो मतलब बुक्स खुदा के में बारे में लिखा कुछ हो बुरा या आपने। ना लिखा हो, बुक्स में लिखा हो या ना लिखा हो, कोई इस पे प्रैक्टिकली वो कर नहीं रहा। अब ये जीसस की इमेजेस हैं, आप इमेजेस में जाओगे तो आपको यहाँ जीसस की इमेजेस मिलेंगी। ये देखो देखो, हु इज योर डैडी, ये देखो देखो, आई सॉ दैट। ये देखिए कितने जीसस के इन लोगों ने कार्टून्स बनाए हुए हैं। देखो देखो भैया, इस हिसाब से तो क्रिश्चियंस को एक दूसरे को मार ही देना चाहिए, है ना? ये देखिए कितने गॉड तो इसलिए तो थे, मैम, इन्होंने खुद अपने मजे करे होते हैं। आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर अभी इन लोगों ने एक आइसक्रीम शॉप खोली, उसका नाम इन लोगों ने लिख दिया क्या था, जीसस, जीसस लिशियस, कुछ ऐसी ना। तो कौन सी शॉप थी, मैं दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड। आप क्योंकि आप ये बोल रहे हो ना, इल्जाम लगा रहे हो दूसरों पे, आप लोगों का काम यही होता है कि जैसे ना वन ही कुछ सेकंड होता है, मैम, सुनो मैंने ना, ये नहीं जैसे ही कुछ कहा। होता है ना, आप डिफेंड करने के लिए ना दूसरों पे पॉइंट आउट करना शुरू हो जाते हो। देखो क्रिश्चियंस भी तो कर रहे हैं, हिंदूज भी कर रहे हैं, तो हम भी मैं करेंगे। वो कूदेंगे आसमान से या ऊपर से जाके बिल्डिंग से, तो हम भी कूदेंगे, ठीक है? तो मैं आपको दिखा रही हूँ नहीं कि मैं आइसक्रीम मैंने जो है, मैंने ये नहीं कहा कि क्रिश्चियन दूसरों को नहीं मारते हैं, मैंने कहा कि उनको बुक्स में लिखे हैं, जो ओल्ड टेस्टमेंट में वो तो ओल्ड लिखे हैं। टेस्टमेंट में लिखा होगा ना हमें साहब जी, ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा हुआ था। ओल्ड टेस्टमेंट को उठा के गार्बेज में डाल दिया क्रिश्चियंस ने, अब वो न्यू टेस्टमेंट को फॉलो कर रहे हैं। जो भी है, क्रिश्चियन के अंदर फिर उसको भी नो इंसानियत आप लोगों से ज्यादा है। यहाँ पे कोई, आज मैम, तक मैंने एक केस नहीं सुना, 25 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, किसी को ब्लास्फेमी के नाम पे मारा गया होगा। यहाँ पर मैं वही बता रही हूँ, यहाँ पर एक आइसक्रीम शॉप ने स्वीट जीसस के नाम से आइसक्रीम पार्लर स्टार्ट किया, उस पे क्रिश्चियंस ने शोर मचाया था, चुप होके बैठ गए। वो शॉप खुली हुई है, कुछ नहीं हुआ, किसी ने किसी को मारा नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। इंडिया में अब ये वाकयात स्टार्ट हो गए लिंचिंग के, वो भी किस चीज पे, गाय पे। अभी सिखों ने मार दिया था, सेम थिंग, क्योंकि वो सीख रहे हैं आप लोगों से, आप लोग सिखा रहे हो उनको। वो देखते हैं कि भाई ये लोग मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमानों को कुछ नहीं होता, हम क्यों ना करें, ठीक है ना? ये एक खरबूजे को देखकर दूसरा खरबूजा रंग पकड़ रहा है। मुझे एक बात बताओ हामिद साहब, कोई बंदा, मैं तो आपके प्रॉफिट पे मानती नहीं हूँ, राइट? मैं तो बिलीव ही नहीं है उसपे। तो अगर मैं कुछ जी बोलती हूँ आपके प्रॉफिट के उसपे, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप लोग सारा दिन बैठ के कादियानियों को गाली देते हो,
आप लोग सारा दिन बैठ के गोरों को गालियां दे रहे होते हो, वैश्य को गालियां दे रहे होते हो, लेते सब चीजें वैश्य हो मगर गालियां दे रहे होते हो बैठ के, सारा दिन गालियां देते हो आप लोग बैठकर कादियानियों को। तो हम नहीं देते मैम, हम नहीं देते वेस्ट को, हम नहीं देते। और बात रही कादियानियों की तो हम उसे देते हैं क्योंकि वो झूठा दावा करते हैं, क्योंकि तो फिर अगर दूसरा कूड़ा आपको गाली दे दे तो उसका सरकार से चुदा कर दोगे? यानी तुम लोग सबको गालियां दो, सबके रिलीजन के उनके मजाक उड़ाओ, और तुम्हारे उसके ऊपर जरा सा कोई बोल दे जिसका यकीन नहीं है तुम्हारे मजहब में, तो तुम उसकी गर्दन उतार दो। तो आप क्यों बोल रहे हो, मतलब दूसरे रिलीजन की, फॉर एग्जांपल मैं तुम भी तो बोल रहे हो, तुम क्यों बोल रहे हो, तुम क्यों बोल रहे हो कादियानियों पे, तुम क्यों बोल रहे हो क्रिश्चियंस पे, तुम क्यों बोल रहे हो हिंदुओं पे, तुम्हें किसने कहा? तुम उन पे बिलीव नहीं करते हो तो तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी बोलो राइट, तो दूसरों की भी मर्जी हो कुछ भी बोले। मैं तो नहीं मानती मोहम्मद को, मैं नहीं मानती अल्लाह को, मैं कुछ भी बोलूं, बात कर रहे हैं ना मैम, क्या तकलीफ हो रही है? मैं बात करूं ना थोड़ा सा, वन सेकंड जी, ठीक है? तो कादियानियों की बात अलग है क्योंकि वो खुद को नबी बोलता है, जैसे कि अभी तुम्हारे ये चैनल पे आया रसूल, ये छोटा आदमी है। पहली बात तो आप इसको लेते क्यों अपने चैनल पे, वो खुद को रसूल बोलता है। आप रसूल से बात बीच में मत करो, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि तुम बैठ के जो दूसरों को गालियां दे रहे होते हो आप लोग हर वक्त, आप लोगों को जरा सा भी कोई कुछ कह दे तो आप लोगों की गांड में आग लग जाती है। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू सो मच फॉर 20 रुपीज। तो आप क्यों बोलते हो, मतलब नबी हो या ना हो वो उनका बिलीव है, ठीक है, वो उनका बिलीव है। आपकी तरह से हर कोई नहीं सोचेगा, ना आपकी तरह से पूरी दुनिया चलनी है। हमीद साहब जी मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है ना, ये आपके दिमाग में अपने गठा बांध लो कि हर कोई आपके अल्लाह को नहीं मानता, ना आपके रसूल को मानता है, तो उनके ऊपर जरूरी नहीं है कि वो उनकी रिस्पेक्ट करे। तुम लोग तो छुरा लेके खड़े हुए हो गले पे, रिस्पेक्ट करो हमारे रसूल की वरना हम तुमको मार देंगे। तो भाई ऐसे कौन करेगा रिस्पेक्ट तुम्हारे रसूल की जो इतना बारबेरिक है, कौन करेगा? तुम लोगों की इसी वजह से मुसलमान इस्लाम छोड़ रहे हैं। वो छोड़े या नहीं छोड़े वो मेरा मसला नहीं है, क्यों पूरी दुनिया इस्लाम छोड़े? हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के साथ कितने लोग थे, एक कश्ती में आ गए, अभी देखो कितना इस्लाम फैल गया। अपनी बात अभी आपने बात की कि मतलब ब्लास्फेमी लोग की, तो मैं उसे जस्टिफाई करूंगा, भाई आप क्यों बात कर रहे हो, मतलब मैं मुसलमान हूँ, मेरा चॉइस है, मैं कोई भी रिलीजन को मतलब फॉलो करूँ, आप पर्सनल अटैक क्यों करते हो दूसरे रिलीजनों को, मतलब करो फ्री स्पीच का खाता होता है मैम। मेरी बला से आप सेंटा क्लॉज पे बिलीव करो, मुझे कुछ नहीं है, मगर सेंटा क्लॉज के नाम पे जाकर ना दूसरे का गला मत काटो, मुझे इससे प्रॉब्लम है। करो वो, आप लोग भी तो वही काम कर रहे हो, आप लोग तो वही काम कर रहे हो ना, मर्दों को गालियां दे रहे हो, पाकिस्तानियों को गालियां देते हो, हालांकि आप बोलते हो कि हम गालियां नहीं देते हैं, आप देते हो अपनी गालियां। मैं गाली उन मर्दों को देती हूँ जो मुझको गश्ती बोलते हैं। शायद आपके अंदर इतना पेशेंस होगा कि अगर आपकी माँ को या बहन को कोई गश्ती बोले तो आप चुप करके मुंह नीचे करके चले जाना। मैं नहीं करती हूँ, मैं अपना डिफेंस खुद करती हूँ, मुझे मर्द की जरूरत नहीं है जो आके मेरे लिए खड़े होकर बात करे। मैं उनको गालियां देती हूँ, किन पाकिस्तानियों को गालियां देती हूँ? ऐसे पाकिस्तानियों को जिन्होंने आज गला काटा है इस्लाम के नाम पर, रिलीजन के नाम पर। ऐसे पाकिस्तानियों को गालियां देती हूँ जो समझते हैं कि औरत को घर के अंदर बैठ जाना चाहिए, जिनका दिमाग आधा होता है। मैं ऐसे पाकिस्तानियों को गाली देती हूँ, मैं सारे पाकिस्तानियों को क्यों गाली दूंगी? सारे यही तो आपकी दिमाग की आप सोच ही नहीं सकते ना, आपका दिमाग इतना छोटा है। क्योंकि पाकिस्तानी तो मैं भी हूँ, पाकिस्तानी तो हारिस भी है, गालिब भी है, गुलजार भी है, यहाँ पे और भी बहुत सारे पाकिस्तानी आते हैं, उनको तो नहीं मैं गाली दे रही होती हूँ। मैं पाकिस्तानी चंद खसूस लोगों को गाली दे रही होती हूँ, ठीक है ना? तो यार पिछली दफा भी आपने यही एक पॉइंट मारा था, अब और मर्दों को गालियां देती हूँ, हाँ जो मर्द डिजर्व करते हैं उनको मैं गाली देती हूँ। आपको गाली दी अभी तक? आपको गाली दी हमें जी? नहीं दी ना, तो फिर आप क्यों बोल रहे हो मैं मर्दों को गालियां देती हूँ? आपको गाली दी अभी तक? जी आपसे कोई बदतमीजी करे तो आप उसे गाली कह दे, आप मतलब उसे जो भी करे वो आपका हक बनता है मैम। क्यों मैं क्यों नहीं दूं? मेरा कैरेक्टर अपने आप को सेल्फ डिफेंड करने में गाली देने मैं से भी वही बोल रहा हूं। मैं भी वही बोल रहा हूं कि आप दे सकते हो। अच्छा तो ठीक है ना, तो फिर मत बोलो ना मैं आदमियों को गालियां देती हूँ। आपको समझा दिया ना, अभी दोबारा ये पॉइंट मत उठाना कि मैं क्यों मर्दों को गालियां देती हूँ। जी तो आपको कोई गाली देता है, कोई बदतमीजी करता है तो आप उसे खुलकर गालियां दो। हमने कभी बोला है
कि आप आपको जी कह सारे रहे हैं, आपने भी मर्दों खुद को बोला मर्दों को गालियां देती हो, तो मैं आपको बता रही हूँ मैं किन मर्दों को गालियां देती हूँ। सारे मर्दों को मैंने बोला, सारे मर्दियों को मत घसीटो। मैं तो नहीं देती आपने सारे कहीं मर्दों बात को, की, नहीं मैं तो सारे मर्दों को नहीं देती गाली, आपको दी गाली हेमंत जी, हाँ या ना, आपको दी गाली? नहीं नहीं मैंने मैंने दी आपसे ना, कभी तो फिर सारे बदतमीजी मर्द की कहाँ से हो गए, तो फिर सारे मर्द कहाँ से हो गए? जी? तो अभी आपने आल सुल्तान का वो तो छूटे है मैम। वो आपको लग रहा है ना झूठे हैं, वो आपको नहीं लग रहा है ना उसने, झूठे। मैं बात हारे सुल्तान की बात नहीं हो रही है, बात यहां पर ये हो रही है कि अगर कोई आपके बिलीफ पे बिलीव नहीं करता है तो आपको किसी ने भी हक नहीं दिया है कि आप जाके उसका गर्दन उतार लो, ठीक है ना? क्योंकि अगर पूरी दुनिया, मैं एक बात बता दूं हेमंत साहब आपको, अगर क्रिश्चियंस, हिंदूज, ज्यूज इसी तरह से उतर आए ना आपके इस पे ब्लास्फेमी पे, तो ये जितने मुसलमान बैठे हैं ना वेस्ट में, सबकी गर्दनें उतरनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आप लोग तो, आप लोगों का काम ही है ये काफिर 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 काफिर, कुफर कुफर कुफर, हर वक्त काफिरों को गालियां दे रहे होते हो, काफिरों के मुल्क में बैठ के उनको गालियां दे रहे होते हो, काफिरों को हर वक्त, काफिरों का इंटरनेट यूज करते हो, मोबाइल फोन यूज करते हो, बिजली सारी चीजें बनाई हुई काफिरों की पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हो और काफिरों को ही गालियां दे रहे होते हैं। अगर टेबल स्टैंड हो गई ना, मैं बता रही हूँ आपको, ये ब्लास्फेमी अगर क्रिश्चियंस ने भी उठा ली ना और हिंदुओं ने उठा ली, तो तुम देखना कि मुसलमान लोग की फिर कैसे फटनी है, क्योंकि आप लोग सारा दिन गालियां ही दे रहे होते हो। आपके तो फ्राइडे के जो सरमन होती है उसी में काफिरों को गाली दे रहे होते हैं। कभी ट्रांसलेशन सुनी है अपनी फ्राइडे की सरमन की, फ्राइडे की जो नमाज जमात खड़ी होती है सुनी है कभी? पता है ट्रांसलेशन में क्या बोल रहे होते हैं? अच्छा तो आपने वही बात कर दी ना कि जो पाकिस्तान के अंदर जो नहीं रहते हैं क्या क्रिश्चियन और हिंदू, तो आपने अभी सामान बेचने की बात की। भाई हम मुफ्त में वो देते हैं, हमें पैसे ये मोबाइल मुफ्त में देते हैं हमें, हम पैसे मतलब उनको देते हैं ना मुफ्त में, तो कोई किसी को नहीं देता ना। ये एक तिजारत हुई, तिजारत पे नहीं, कोई अगर मतलब आपको वो नहीं हो तिजारत, नहीं सकता। नहीं 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 ना 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 ना, एक सेकंड वापस आओ, वापस आओ। आपका मुल्क चल रहा है इस वक्त इंटरनेशनल भीख मांगने पे, आप लोग पैसे नो क्यों बेच के गए? इमरान खान सारे जो पाकिस्तानी ओवरसीज बैठे हैं ना, जो काफिरों के मुल्क में हराम की कमा रहे हैं, काफिरों की कमा रहे हैं ना, वो भेजते हैं पैसा वहां पर। आपको जो काफिरों के बैंक है ना, उसने लोन दिया हुआ है, वो लोन देना बंद कर देना तो आप लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा, भीख मांगने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे आप लोगों के पास, ठीक है ना? और नो, नहीं, आप ये पैसे आपकी दे ख्याल के होगा खरीद रहे मैम। हो, अगर क्यों खरीद रहे हो? काफिरों की चीज मत खरीदो ना, काफिर इतने बुरे हैं, इतने खराब हैं, जहन्नुम में जाएंगे, आपकी रिलीजन को उठा उठा के पटकते हैं, मोहम्मद की तौहीन करते हैं, आप उनका फोन उठा रहे हो, फोन खरीद रहे हो, चाइना का फोन तो खरीद रहे हो, सारे तो नहीं करते हैं ना, सभी सारे करते तो हैं, नहीं करते हैं ना, नहीं करते। देखो ये कितने एक सारे समस्या लोग में निकल के आए है। उस बंदे को मारने के लिए। तो मैं भी सबकी बात नहीं कर रही ना, जो आप जैसे होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। आपको अगर आप इस्लाम और मोहम्मद जी से सच्चा प्यार करते हैं ना, आपको आपके रसूल की कसम, आप ये काफिरों का इंटरनेट फोन कंप्यूटर सब बंद कर दोगे, क्योंकि हराम है आपके लिए। सही सीरियसली बता रही हूँ, हराम है, मुनाफिकत मत करो, करना है ना तो पूरा काम करो। एक तरफ आप लोगों ने काफिरों को गालियां दी है, दूसरी तरफ जहां कोई काफिर नई टेक्नोलॉजी लेकर आता है उसको भेज जाते हो, ठीक है आपकी जी। सो एनीवेज अब मैं क्या हेमा जी, बोलूं मैं मैम। आगे चलती हूँ, और भी बहुत सारे लोग आए हैं, मगर होपफुली आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गई हो। आप आते रहा करो, आपसे इसी तरह बातें होंगी, इसी तरह से आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है मैं एक बात करूं मैम, तो जी? बोलो मतलब ये रसूल आपके चैनल पे आता है, पहली बात तो ये कोई रसूल वसूल नहीं है, ये अगर मुसलमान के सामने आ गया तो वो इसको जबरदस्त कर देंगे। उसको रसूल को आप गाली मत दो, आप उसको गाली दो, वो कोई रसूल नहीं है, ना ही वो मुसलमान है। भाई, अगर मैं रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के गाली दूं तो गाली होगी ना? मैंने तो उनको तो कोई गाली नहीं दी, मैं इस रसूल को बोल रही हूँ, ये जो कमीना इंसान है इनके बैठा है, सबको पता है किस रसूल की बात हो रही है, उनकी बात नहीं हो रही, ठीक जी मैम, है ये ना? मुसलमान भी नहीं है, हम इसको मुसलमान भी नहीं मानते हैं, ये वो आपको भी इंसान भी नहीं बताएं। है, ये तो इंसान भी नहीं है, ये तो ये अपनी बच्चियों के साथ जिना करता है यार, क्या कहोगे इस बंदे को। चले अहमद साहब जी, जी मैम, चले टेक केयर, बाय बाय। झूठ आप फैला सकते हो ना, तो हम भी झूठ फैला सकते हैं। बोलो, और बोलो, तुम अपनी बेटियों के साथ जिना करते हो, शर्म करो, डूब मरो।